फ्रेंड्स, रिजल्ट 4 जुलाई को आएगा, रिजल्ट 10 जुलाई को आएगा, रिजल्ट 15 जुलाई को आएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से बातें चल रही है, रिजल्ट का अलग अलग डेट बताई जा रही है। अच्छा, वेटेज क्या होगा? 30-70 होगा, वेटेज 50-50 होगा, वेटेज 40-40-20 होगा। नो स्टूडेंट्स, ये सब बातें पूरी तरह से मीडिया में चल रही है और ये अलग अलग डेट है जिससे हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज है। और मैं यहां पर बता दूं कि यह जो डेट आपको जो दिया जा रहा है, इसकी क्या सच्चाई है? क्या 4 जुलाई 10 जुलाई को रिजल्ट आपके मिल जाएंगे, पब्लिश हो जाएंगे? आपको यकीन मानो, मैंने पहली बार, अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा चैनल दिया हुआ लिंक, साथ ही साथ आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लो। मैंने बोला था प्रो रिजल्ट तैयार होगा 30 जून तक। आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो स्कूलों से संपर्क किया जाएगा और उसके बाद मार्क्स का एक्सचेंज किया जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपको बाद में निकलेगा। मैंने बहुत पहले कहा था, देखिए वही बात आपने देखा ना, प्रिंट मीडिया में बात कही गई कि इस स्कूलों को मेल किया गया है, स्कूलों से संपर्क किया गया। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर जो भी बातें बताई जाती है वो 100% कोशिश होती है कि सही हो, 1-2% अगर इरर निकल जाए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि आखिर आपकी रिजल्ट कब निकलेगी, रिजल्ट आएगा कब, क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गई। देखिए, अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां लगा हुआ है, अगर आप बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, तो ये बताते हैं हमको कि आपको एंड ऑफ जुलाई में निकलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें तो वह है 15 जुलाई। फिर कैरियर 360 की बात करें तो ये भी बता रहा है 15 जुलाई को। फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो कि कच्ची पेपर है, वहां बताया जा रहा है 2nd week of July। और टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, वहां 4th July बताया जा रहा है। तो ये अलग अलग डेट बताया जा रहा है कि रिजल्ट इस तारीख में होता, लेकिन सच क्या है? सच कभी छुप नहीं सकता। सो स्टूडेंट्स, ये जान लो कि आपके रिजल्ट प्रो रिजल्ट तैयार है, स्कूलों से संपर्क करके और वेटेज का मामला को लेकर भी अभी थोड़ी सी मीटिंग कर सकते हैं, या हो सकता है अभी आपस में गमसान चल रही है कि अगर विचार कर रही सीबीएसई कि क्या वेटेज दिया जाए। लेकिन सीबीएसई अभी तक की बात करें, जितना इतना डिमांड हुआ, 30-70 की बात हुई, सीबीएसई ने बंद कर दिया, फेक न्यूज बता दिया कि वो फेक है 30-70। लेकिन बेस्ट ऑफ अदर टर्म पे अभी तक सीबीएसई का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो हमारे पास पूरा टाइम है, हम लोग पूरी एनर्जी लगा लो बच्चों। सो प्लीज आप एनर्जी लगा लो बेस्ट ऑफ अदर टर्म सब्जेक्ट वाइज की, पूरी डिमांड करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और साथ ही साथ ट्विटर हैंडल में ट्वीट भी करो। ट्विटर हैंडल में ट्वीट करोगे, सोशल मीडिया करोगे, और प्लीज मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ स्टूडेंट्स, अभी एक नया वेटेज आ रहा है 40-40-20, इस तरह का वेटेज के बारे में ना ही चर्चा करें, नहीं तो हम लोग यूनाइट ना होके आप डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और हम लोग बेस्ट ऑफ अदर टर्म नहीं हो पाएगा। सो स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ अदर टर्म के लिए हम लोग सपोर्ट करो, और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि रिजल्ट जो है वो आपको 2nd week of July तक निकलेगा, यानी 15 जुलाई के अंदर में कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस बात को आज नोट कर लो, उससे पहले कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, ना 4 को आने, ना 10 को, लेकिन 2nd of July यानी 10 और 15 के बीच में कभी भी आ सकता है। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका इस चैनल पर मिलेगा।